हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ पालक पनीर। पनीर को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। क्यूब्स में पालक को हमने गर्म पानी में बॉईल होते हुए पानी में डाल दिया था। उसको पालक को इस तरीके से स्ट्रैंड करके निकालेंगे। डायरेक्ट इसको ठंडे पानी में डाल देंगे हम, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। पालक को हमने बॉईल नहीं किया था, बस हल्का सा उसको सॉफ्ट करना है। जो है हमने बिल्कुल ग्राइंड कर लिया ठंडा होने के बाद, की प्योरी बना ली है। अभी हमारी चॉपिंग है। प्याज हमने चॉप की थी, टमाटर चॉप किया, और ये हमारा लहसुन, जीरा, इलायची, पिसपा। एक नए स्टाइल में बनाने वाली हूँ मैं पालक पनीर। कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म करके उसमें जीरा डाल दिया है, पिसपा, इलायची। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है पालक पनीर बनाने का। हल्का सा स्प्रिंकल हो जाएगा तो उसमें हम लहसुन डाल देंगे काफ़ी सा, क्योंकि पालक और लहसुन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मज़े का लगता है। पालक का कोई अपना फ्लेवर नहीं होता, इसलिए उसमें हम लहसुन का ऐसा फ्लेवर करेंगे। हल्का सा लहसुन ब्राउन में लगेगा, उसमें हम पालक की जो प्योरी होनी चाहिए वो ऐड करेंगे। इसमें अब हम अपनी ये प्योरी ऐड कर देंगे। मैं इसमें प्योरी डालती हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। पालक और लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे इसको ऑयल सेपरेट होने तक। बस इसको हम अच्छे से चलाते हुए भुनाई करते रहेंगे। इसकी चलाते रहेंगे उसको। हमने बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ दिया है, बिल्कुल कढ़ाई में छोड़ दिया है इसको। इसको हम निकालेंगे अलग बाउल में। यहाँ हमने ग्रिल पैन को थोड़ा सा घी डाल के इसके ऊपर अलग को भून के अलग बाउल में निकाल लिया है। और ये हमारी पनीर है, हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को हमने निकाल कर रख लिया है बाउल में। ऐड कर देंगे मसाला जो है हमारा ग्रेवी का, बिल्कुल भून चुका है। इसमें हमने पालक और पनीर जो है ये ग्राइंड किया हुआ पनीर पालक ऐड कर मसाले। देखिए कितना यमी लग रहा है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, स्लो फ्लेम पर इसको ढक कर रख देंगे। गाइस ये हमारा पनीर पालक पनीर रेडी हो चुका है, बहुत ही यमी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका है, बहुत जल्दी बनने वाला है।